हरियाणा के जींद के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसीपल वालों विद्यार्थियों का जिनसी शोषण करने बारे वड्डा खुलासा होया सी। डीसी वालों गठित कमेटी की रिपोर्ट के विच प्रिंसीपल का सारा सच सामने आया है। जांच दौरान पता लगा है कि सरकारी स्कूल के प्रिंसीपल ने 50 तो वध विद्यार्थियों का यौन शोषण किया सी। इस मामले के विच एक विद्यार्थी ने खुदकुशी भी कर ली सी, जो इस स्कूल के विच 11वीं जमात विच पढ़ती सी। दस दिए कि कुछ पीड़ितों वालों 31 अगस्त नूं पत्र लिखा गया सी। इस तों बाद प्रिंसीपल खिलाफ जांच शुरू कर दी गई सी। मीडिया रिपोर्ट्स के विच दावा किया गया कि खुदकुशी करने वाली विद्यार्थन ने इस मामले च कोई भी बयान देने तो इनकार कर दिता सी। 30 सितंबर नूं स्कूल तो वापस आके 11वीं जमात दी इस विद्यार्थन ने घर दी पहली मंजिल ते बने कमरे च फाहा लैके खुदकुशी कर ली सी। इस तों बाद परिवार वालिया ने उसकी लाश का संस्कार कर दिता सी। घटना तो बाद एक अधिकारी पीड़िता के घर भी कहा जा रहा कि गया सी। इस दौरान जदों उसने मृतका की मां नाल गल की तां उसने अपनी धी विच तनाव या डिप्रैशन के कोई लक्षण देखने तो इनकार कर दिता। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि मामले संबंधी 3 विद्यार्थियों वालों खुदकुशी करने बारे खबरां फैलाईया जा रही ने, जबकि अजिहा कोई मामला नहीं। एक ने खुदकुशी की है तो 2 की किसी बीमारी कारण मौत हुई है। जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि कुछ लड़कियां ने IPC की धारा 164 तहत मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी है। इस कारण पुलिस को इस मामले के मुलजम खिलाफ चलान पेश करने लिए काफ़ी सबूत ने। उधर ही मुलजम का मोबाइल फोन भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। मुलजम 4 नवंबर को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इतने तुम दस दिए कि मामले के विद्यार्थियों ने शिकायत की कि उन्होंने जिनसी शोषण का सामना करना पै रहा है। जी हाँ, एक पत्र लिख के सब कुछ दसया गया। इस पत्र कहा गया कि स्कूल का प्रिंसीपल विद्यार्थियों काले शीशे वाले कैबिन के बुला है, उन्होंने गलत हरकत करता है। पत्र एतराज़योग ढंग छूण का भी जिक्र है और दावा किया गया कि अजिहा करते हुए प्रिंसीपल ने विद्यार्थियों को धमकियां भी दित्तियां कि जेकर उन्होंने किसी को दसिया तो उन्होंने प्रैक्टिकल ते एग्जामीनेशन फेल कर दिया जाएगा। पत्र लिखा गया कि काले शीशे वाले इस कैबिन के बाहरों अंदर कुछ नहीं दिखाई देता, जबकि अंदरों बाहर सब कुछ दिखाई देता है। उधर इस पत्र दे विच भी कहा गया सीगा कि जेकर कोई अधिकारी स्कूल के बाहर आके विद्यार्थियों नाल गल करनगे तो वह उन्होंने प्रिंसीपल दीयां सारियां हरकतां दस देणगियां। पत्र दे विच एक महिला अध्यापक का भी जिक्र किया गया सी, जिसका तबादला हो चुका है अते वह भी प्रिंसीपल दीयां हिदायतां ते विद्यार्थियों नू काले शीशे वाले कैबिन दे विच भेजती सी। इस पत्र मुताबिक जदों मुलजम कैबिन दे विच विद्यार्थियों नाल इकला हुंदा सी तां वह गलत हरकतां करदा सी अते जिवें ही कोई बाहरों आउंदा सी तां वह पढ़ाई करन बारे गल्लां करन लग जांदा सी। हालांकि इस घटना तों बाद काले शीशे वाले कैबिन नू हटा दिता गया सी। सबसक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।